आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा GnRH हाइपोथैलेमस से अग्रपीयूष ग्रंथि में जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं GnRH के बारे में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर GnRH जो है यह एक हार्मोन है जिसे कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या इसे गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन कहा जाता है। तो लिख लेते हैं गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन इसे कहते हैं और यह स्रावित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा जो कि एक संदेश है पीयूष ग्रंथि के लिए। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा पीयूष ग्रंथि तक यह जो संदेश हार्मोन है यह कैसे पहुंचाया जाता है वो हम समझ लेते हैं। यह पहुंचाया जाता है स्टूडेंट हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम या जिसे कहा जाता है हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र, इसके द्वारा यह जो हार्मोन है पहुंचाया जाता है अग्रपीयूष ग्रंथि तक। तो लिख लेते हैं हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र या इसे कहा जाता है हाइपोथैलेमिक निवाहिका तंत्र। तो लिख लेते हैं निवाहिका तंत्र इसे कहा जाता है। अब यह तंत्र जो है किस प्रकार से कार्य करता है तो देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर जो स्टूडेंट्स धमनियां आती हैं तो हम यहाँ लिखते हैं धमनी। सबसे पहले धमनी जो है यह केशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो लिख लेते हैं केशिकाएं। तो केशिकाएं जो है स्टूडेंट यहाँ से क्या करती है, ये हाइपोथैलेमस की कोशिकाएं जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ से ऑक्सीजन और अन्य भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लेती हैं और ये केशिकाएं जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, ये केशिकाएं जो है इसके अंदर क्या करती हैं, ये हाइपोथैलेमस की जो स्रावी ग्रंथियां होती हैं वे क्या करती हैं, इन केशिकाओं के रक्त के अंदर यह जो गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन जो है यह इन केशिकाओं में स्रावित कर देती है, इनके रक्त में स्रावित कर देती है। ये केशिकाएं संगठित होकर स्टूडेंट क्या करेंगी, ये जुड़कर निर्माण करती है वेन का या फिर शिरा का। तो लिख लेते हैं शिरा का निर्माण करती है और यह शिरा जो है रक्त को सीधा हार्ट में या हृदय में नहीं लेकर जाती, यह लेकर जाती है रक्त को स्टूडेंट अग्रपीयूष ग्रंथि में। तो हम यहां लिख लेते हैं अग्रपीयूष ग्रंथि में यह लेकर जाएगी। अग्रपीयूष ग्रंथि में जाएगी जब ये शिरा तो क्या होता है, अग्रपीयूष ग्रंथि में जाकर यह जो शिरा है यह फिर से बंट जाती है स्टूडेंट केशिकाओं में। तो लिख लेते हैं फिर से वेन्यूल्स का निर्माण करती है। तो लिख लेते हैं केशिकाओं का निर्माण करती है और केशिकाएं जो है यहां से क्या किया जाता है, केशिकाओं के माध्यम से ही ये जो GnRH जो कि स्रावित किया गया था रक्त में यह पहुंच जाता है, GnRH पहुंच जाता है स्टूडेंट्स अग्रपीयूष ग्रंथि के पास। अब अग्रपीयूष ग्रंथि जो है GnRH को संसाधित करती है और बदले में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो कि LH और FSH होता है वो केशिकाओं के रक्त में स्रावित कर देती है और ये केशिकाएं जो है ये जुड़कर पुनः शिरा का निर्माण करती है और शिरा जो है यह रक्त को ले जाती है हृदय की ओर, जहां से ये पूरे शरीर में जहां भी इसकी जरूरत है सप्लाई कर दिया जाता है, ये पहुंच जाता है गोनाड्स की ओर अर्थात प्राथमिक लैंगिक अंगों तक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो कि FSH और LH होते हैं ये पहुंच जाते हैं। तो लिख लेते हैं FSH और LH। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो रक्त वाहिकाएं जो हैं ये क्या करती हैं, GnRH हार्मोन को पहुंचाती हैं अग्रपीयूष ग्रंथि तक। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दिया हुआ है केंद्रक। तो स्टूडेंट केंद्रक ये कार्य नहीं करता है, केंद्रक में DNA पाया जाता है, ये स्टूडेंट GnRH हार्मोन को स्टूडेंट परिवहित करने का कार्य नहीं करता। हमारा ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन डी दिया हुआ है एक्सोन। अब एक्सोन के द्वारा जो हाइपोथैलेमस हार्मोन स्रावित कर रहा है स्टूडेंट्स, यह एक्सोन के द्वारा पश्च पीयूष ग्रंथि को पहुंचाया जाता है न कि अग्र पीयूष ग्रंथि को। तो यह भी हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है रक्तवाहिका। बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स, रक्तवाहिकाओं के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमिक निवाहिका तंत्र या हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी दिया हुआ है लसिका वाहिका। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, लसिका वाहिका नहीं होती, ये होती है रक्त वाहिका। हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।